नमस्कार दोस्तों, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के मर्चरी हाउस से, जहाँ पे रात एक युवक अपनी माता को लेने के लिए निकलता है बाइक पर। बताया जा रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है और संदिग्ध परिस्थितियाँ बनी हुई है, क्योंकि परिवार का आरोप है कि यह हादसा नहीं है या कुछ और ही है। एक बार परिवार से बात कर लेते हैं। उनका कहना है कि जो शव है वो बाइक से काफ़ी दूर झाड़ियों में पड़ा मिला, जिससे कि यह किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। परिवार का यह आरोप है। एक बार परिवार से जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ उन्हें सूचना मिली थी। पुलिस मैंने फोन कर रही थी, एक घंटा ले फोन करती रही कि मेरा बेटा आया नहीं लेने, करा तो मम्मी आ रहा हूँ, मैंने कही आ जाइए बेटा। मैं फोन करते रही, एक घंटा देखती रही, फोन करते रही, कोई नहीं उठाया। फिर प्रधान पुलिस वाले थे, बोले तेरा बेटा के एक्सीडेंट हो रहा, एक्सीडेंट होता तो सड़क पे पड़ा रहता ना, झाड़ियों के पास था, गेट के पास मेरा लाल, झाड़ियों के पास था जी, सड़क के पास। उसके चोट यहाँ आई थी, खाली कान से खून चला था, थोड़ी से मुंह और पैर मेरे बेटा का टूट रहा था, बस मेरे बेटा के कहीं और से चोट नहीं। कहाँ से आया था बेटा, कहाँ से आया था? मेरे बेटा सामने घर से जा रहा था, घर से मैं किराए पे रहती हूँ जी, मेरा पति भी मर गया, मजदूरी करती हूँ, मंडी में काम करती हूँ जी, मेरे तो कोई भी नहीं है, कोई पता नहीं है जी, पता लगाओ आप। रात को कितने बजे फोन आया आप? मेरे को 1 बजे आया होगा, करीबन 1-1.5 बजे उस टाइम आया जी, उस टाइम में गई। मेरे को तो पता नहीं भाई, एक साइड में सवार रखे थे, एक साइड में बड़े थी, मेरे बेटा के सवार रखे थे, मुझे तो जी इंसाफ दिला दे, मेरे कोई भी नहीं है, एक बेटी जवान बैठी है। आपको लेने के लिए आ रहा था? हाँ, बेटा लेने के लिए आ रहा था। मेरे बेटा के हुआ, हमारे को कोई पता नहीं है। किसी के साथ बहसबाजी भी हुई थी फोन में? कहाँ पर? वो फोन से बात कर रहा होगा जी, हमारे शामनगर 7 नंबर गली में जी। अच्छा, शामनगर में रह रहे थे अभी? हाँ जी, शामनगर में थे जी, 7 नंबर गली है जी। ठीक है। तो पड़ोसी बता रहे थे जी कि उसको फोन पे बहस हो रही थी किसी से, कि मुझे मार दूंगा, ये करूंगा। फिर सर इसके बाद और कुछ उन्होंने बताया नहीं, बस इतना बहस उन्होंने बताया। सर हमारे को नहीं पता जी, फोन से पता लगा उसके फोन में नंबर होगा जी, किससे बहस हो रही थी, किसके पास है जी? इसके मम्मी के पास है जी, मम्मी के पास ही है। हाँ जी, मारे तो जी बच्चे को, मेरे सकल भी नहीं देखने दिए कि उसका चोट का है। आपको लग रहा है कि किसी ने मार कर फेंका? सर मैंने तो ऐसा ही है कि डाउट पूरा नहीं, यकीन हो रहा है किसी ने मार रखा। जो बाइक है आकाश की, क्या उस पर कोई ऐसी कोई बाइक टूटी है उसकी, कोई सर डैमेज हुई है? वही तो कह रहा मैं जी, बाइक भी नहीं मिली, मैं तो देखा ही नहीं जी, सकल ही नहीं देखा जी। अच्छा, नहीं पुलिस अभी क्या कह रही है? आई नहीं पुलिस अभी? पुलिस अभी आई नहीं, पुलिस वाले हमारे से कह रहे सेक्टर 4 चौकी में आ जाओ सर, हम जाने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे जाने वाले हैं? हाँ जी। अभी कंप्लेंट वगैरह करवाई है किसी? हमने तो जी कुछ नहीं कराया जी। अच्छा, अभी FIR वगैरह कुछ नहीं हुई? ना जी, कुछ नहीं करवा। हमारे को तो रात में ये कह दिया कि पोस्टमार्टम होएगा, 11 बजे से आ जाना, ले जाना। जी हम तो सीधे वहाँ से यहाँ आ गए जी। इब यहाँ पुलिस वाले को फोन आ रहा कि आ जाओ हमारे यहाँ, फाइल बनवाओ, फिर पोस्टमार्टम होगा जी। अच्छा। हाँ जी, इब हम जा रहे थे जी वहाँ सेक्टर 4 में, बल्कि 3-4 बंदे जा लिए जी, मैं जाने वाला था, आप आगे, इस करके मैं रुक गया। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। डेड बॉडी है जी कहीं और, सर ऐसे वो थोड़ी हो सका, हमारे के नहीं पता जी क्या हुआ क्या नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। हमने तो डेड बॉडी कहाँ मिली? सर हमने तो यही सुनने में आया कि झाड़ियों में मिली, वहाँ साइड में, यहाँ साइड पे रही थी जी, वो तो टेम्पो वाला कह रही झाड़ियों पे रही, पुलिस वाले ने ले गए वहाँ से, हमारे को यही दिखाया जी, हमारे को ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। फिर वहाँ भी हम गए अस्पताल में भी नहीं मुंह दिखाया जी। अच्छा, नहीं दिखाया? नहीं, नहीं दिखाया, हमारे को नहीं सकती रहा, आकाश जी रहा। तो बता रहे हैं अपनी माँ को लेने के लिए आ रहा था, ये अनाज मंडी में, नई अनाज मंडी में काम करती है जी? अनाज मंडी में भी काम करते थे जी। क्या उम्र है आकाश की?
आकाश की 22 साल का 20-22 साल का रात पता लगा रात को कि ऐसे कोई हादसा हुआ, किसने बताया जी? हमारे पे फोन आया कि तुम्हारा आकाश दुनिया में नहीं है जी, हम इनको कहे जल्दी से लेके मेरे को चलो जी, मैं भाग के जा रही थी, फिर मेरे को साइकिल से लेके गए, फिर आगे टेम्पो वाले लेके मेरे को कहा चलो जी कि वहाँ पे हो है, तो मैं गई तो वहाँ पे मोटरसाइकिल पड़ी थी जी, टूटी सा मोटरसाइकिल पड़ी है, और वहाँ पास में मेरे को बताए कि यहाँ पे से लेके गए अस्पताल में, चलो जी यहाँ पे मैं तो देखती भी नहीं जी, मैं तो बेहोश पड़ी थी। नहीं तो हादसा कैसे हुआ ये नहीं आपको ये नहीं जी पता, हमारे को कोई पता नहीं कैसे हुआ, पुलिस वाले को हमारी जानकारी तो यही कहो कि एक्सीडेंट हुआ, मगर सर ऐसे कैसे हुआ हमारे को नहीं पता जी किसी बात मोटर, उसकी मोटरसाइकिल पे आ रहा था वो? हाँ जी मोटरसाइकिल पे, बाइक कहाँ पे? बाइक जी पुलिस वाले को पास है जी। अच्छा बाइक वहीं पे है जी, झाड़ियों के इधर से जो जाते नहीं है रास्ता वहीं पे मोड़ पे गेट पे है ना, वहीं पे रहा था जी साइकिल, मोटरसाइकिल जी रहा था मेरे लड़का का। सर वो बताएंगे सही, वो सर जी मौका पे मेरी बेटी हो गई थी। लड़के का नाम आकाश बताएंगे? हाँ जी। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा है सेक्टर 4 चौकी से? अभी तक कोई नहीं आया, किसी ने सुबह कॉल किया आपको अभी तक? हाँ जी दो फिर आ रहे हैं 4 सेक्टर से जी। फोन आया था? हाँ जी। अच्छा क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे जी आ जाओ यहाँ फाइल बनवाओ। अच्छा वहाँ पे बुला रहे हैं? हाँ जी, तो हमने 3 बंदे भेज दिए। ठीक है आप आगे इस करके फिर हम रुक गए जी। जी 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 तो यहाँ पर कोई नहीं, एक जवान लड़की है जी, अगले महीने शादी थी उसकी छोकरे के जी, कह रहे मौत हो चुकी। हाँ मौत हो चुकी, वो तो साल भर हो गया जी, वही देखभाल करता था घर का, क्या कर साहब मेरे बच्चे को सकल भी नहीं देख रहे थे पुलिस वाले, और मैं क्या करूं? आप समझ सकते हैं, मैं भाग के गया वहाँ रात में 1:30-2 बजे तो रात में भाग के गया, मेरे सकल भी नहीं देखने दिए, कल्पना चावला में भी नहीं देखने दिए, मैं कहा मेरे बेटे की सकल तो दिखा दो, मगर नहीं देखने दिए, वो भाग जाए यहाँ से, भगा दिए सारे मारे को। अब क्या करें सर बताओ, गरीब आदमी क्या करेंगे, अब कोई कमाने वाला नहीं, एक छोकरी है अभी वो भी 25 साल के, ब्याह होने वाला है उसका, बताओ सर हम करेंगे क्या? शब तो बाद में आपको मिल जाएगा, शब तो दे देंगे सर, तो इब तो देखो जी पुलिस वाले बुला रहे, अब जाएंगे सेक्टर 4 चौकी में जी, देखो जी, क्या होता है जी। जी 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 इब देखते हैं सर क्या यहाँ पर।